चिखली ग्राम पंचायत में धान उपार्जन केंद्र में सरकार के सभी नियमों को दरकिनार कर किसानों से शुक्ति के नाम पर प्रति बोरी में 1.5 किलो अधिक धान लिया जा रहा है, और इसे लेकर जब हमारे संवाददाता ने किसानों से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, द्रुपकुंदल क्षेत्र के चिखली गांव में मौजूद हूं और यहां पे धान जो उपार्जन केंद्र है वहां पे मौजूद हूं। हम किसानों से सीधा आपको रूबरू कराएंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे यहां पे धान बिक्री करने में इनको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मनकीर। कहाँ के रहने वाले हैं? हड़फड़। हड़फड़ तो यहाँ पे आप धान बेचने आए हैं सुबह से, आप लोगों को क्या क्या समस्या आ रही है? कुछ तो समस्या नहीं आ रहा है सर, वो पैसा लेते हैं। कौन पैसा लेता है? हमारे लोग। कितना पैसा लेते? एक पट्टा 3 रुपया। 3 रुपया। और जैसे कि अगर बात की जाए यहाँ पे, जैसे धान आप ही लोग मापते हैं या वो लोग मापते हैं? हमारे लोग हमारे लोग नापते हैं। तो अभी आप माप रहे थे? नहीं, वो हेमल है ना, हेमल है। हाँ। तो ये जो यहाँ पे बोरा पलटाई का काम आप ही लोग को करना पड़ता है? हाँ। आप ही लोग करना पड़ता है। हाँ। और ये भर्ती में कितना धान भरते हैं? 41। क्या क्या समस्या है? समस्या तो बहुत है सर, यहाँ पानी का व्यवस्था नहीं है और यहाँ पर सिला पूरा तोलते हैं बस, उसके बाद पूरा काटा वाटा हम ही लोग वहाँ लेके जाते हैं बस। रैक में भी चढ़ाते हो आप लोग धान? हाँ, रैक में। और क्विंटल में 3 रुपए देते हैं हम लोग। किसको दिए हो? यहाँ पर वो हमारे लोग मांगते हैं ना। और कितना ज्यादा ले रहे धान क्विंटल में? क्विंटल में बस 3 रुपए मांग रहे हैं वो लोग। नहीं नहीं नहीं, बोरा में कितना? बोरा में कितना भर रहे हो? बोरा में 140-200। और कितना लिखते हैं उन लोग? 40 का। मतलब कुल मिला के 1 किलो 200 ग्राम धान ज्यादा? 200 ग्राम ज्यादा आता है एक बोरा में। आप किसान हो? किसान हूँ मैं। कितना धान लेके आए हो? मैं 36 क्विंटल लेके। अच्छा, तो आप यहाँ धान बेचने आए हो तो यहाँ पे जो नापाई है सिलाई है वो कौन करता है? आप करते हो कि हमारे लोग करते हैं? हमारे लोग खड़े रहते हैं, हम लोग सिलाई दे के चढ़ा देते हैं। तो हमारे लोग नहीं करते, आप ही लोग करते हो कुल मिला के? हम ही लोग करते हैं। अच्छा, और पैसा भी देना पड़ता है? पैसा भी देना पड़ता है। कितना लेते हैं? क्विंटल में 3 रुपया। किसान मौजूद थे तो आपको बता दूं कि यहाँ पे समस्या तो काफी सारे देखने को मिला हमको। यहाँ शौचालय की व्यवस्था तो है लेकिन पीने के लिए जो पानी की व्यवस्था है वो नहीं है, और किसान अपने से ही यहाँ काम कर रहे हैं और हमारे द्वारा यहाँ 3 रुपए अधिक लिया जा रहा है। कैमरामैन दीपंकर सर, विधान लिंक, इंडिया न्यूज़।